नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र के कंदरौर में लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत की 26 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंदरौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कुठेड़ा में जलशक्ति उपमंडल और हरलोग में उपतहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने नागरिक अस्पताल बिलासपुर की बिस्तर क्षमता 270 से बढ़ाकर 300 करने, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोर सिंगी में विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुहू मजवराहा में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं आरम्भ करने, कंदरौर में लोक निर्माण अतिथि गृह, बरमाणा में पीएचसी और जबलियाना में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 3 सड़कों को नाबार्ड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि बिलासपुर के धरती पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जमीन पर खड़ा है और आदरणीय नड्डा जी को भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ वो शिलान्यास के लिए आए थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस एम्स को पूरा तैयार करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सके, उस दृष्टि से हम प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बात की है कि हम चाहते हैं कि जून के महीने में एक बार आप फिर से हिमाचल आएं और हिमाचल आकर के बिलासपुर के एम्स का जिसका आपने शिलान्यास किया है, भवन का कार्य पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन भी आपके हाथों से, ऐसा हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है और उन्होंने हां भी कर दी है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है लेकिन छोटे प्रदेश के बावजूद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है। इन 4 वर्षों में सेवा और समर्पण के साथ तो हमने काम करने की कोशिश की है। पहली कैबिनेट का पहला निर्णय हमने यही लिया कि बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं आय सीमा में छूट देते हुए सबको हमने पेंशन का प्रावधान किया। कोई बुजुर्ग आज सभा में आकर के हमको इस बात के लिए आग्रह नहीं करता है, ना विधायक को ना मंत्री को, कि हमको पेंशन लगा। हमने विभाग को आदेश दिए जिसकी उम्र 70 साल हो गई उसके घर में जाकर के कागज की प्रक्रिया पूरी करो और प्रक्रिया पूरी करने के साथ साथ में उसके घर में पेंशन लगनी, उसको पेंशन लगनी चाहिए। जिन बुजुर्गों के कारण हमने इस दुनिया को देखा, समझा, सीखा, उनकी ये परिस्थिति हमारे सामने, मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए ये करना चाहिए, हमने किया। और अब तो हमने पिछले बजट में हमने माताओं के लिए 65 साल के ऊपर जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उन सबके लिए पेंशन का प्रावधान 1 साल। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से काम करने की कोशिश की। जनमंच से लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, घर में हो, वहीं पर हो, उसके नजदीक हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रयत्न किया और उसमें मैं कह सकता हूं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें हम कामयाब हुए। हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना जनमंच की शुरू की जिसमें लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे मंत्री जाकर के गांव में जाते थे और गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को वहीं पर सुनते थे। इस कोविड के कारण आजकल थोड़ा सा हमारा वो बंद पड़ा था, आने वाले समय में अगर दौर पूरा संभल गया तो हम दोबारा उसको शुरू करेंगे। अगर कोई आदमी जनमंच के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकता है तो 1100 पर घर बैठे फोन करो, आपकी समस्या का समाधान वहीं पर हम करने की कोशिश करेंगे, हमारे अधिकारी हमारे कर्मचारी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को मंजूरी देने के लिए मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हिमाचल प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजना को मदद मिलेगी। इससे बिजली की कीमत को कम रखा जा सकेगा और देश के नागरिकों को सरकारी सहयोग से फायदा पहुंचेगा। यह योजना देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करेगी तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत वृद्धि को बढ़ावा देगी। इससे बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अकुशल कामगारों के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।